शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेने कुरुक्षेत्र पहुंचे। अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास बोले, शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर एक बार फिर मार्च 2019 से हो। जीरो रिजल्ट वाले स्कूल मुखिया और शिक्षकों से जल्द करूंगा बैठक। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे कार्यक्रमों की कड़ी में भाग लेने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया और विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह कार्यक्रमों की कड़ी प्रदेश के सभी जिलों से सरकारी और निजी स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और जिस तरह से इस कार्यक्रम में गुणात्मक वृद्धि हुई है और बच्चों ने धारा प्रवाह संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया और निबंध लेखन किया, उससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि गीता ही बेहतर समाज निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। ACS पीके दास ने कहा कि गीता का संदेश हर काल व हर हाल में प्रासंगिक है, जो कदम कदम पर मानव का मार्गदर्शन करती है। मैं गीता को केवल धर्म ग्रंथ नहीं मानता बल्कि जीवन दर्शन मानता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पालन हो रहा है, उसी के तहत हमारे स्कूली बच्चों के भी संस्कृत के विभिन्न विभाग के बारे में उनके लिए कम्पिटिशन तैयार किया गया था। 5 विभाग में कम्पिटिशन हुआ था और सभी जिलों से बच्चे आए थे, सरकारी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे आए थे। करीब 350 से ऊपर बच्चे यहाँ 3 दिन रहे और कंपटीशन हुआ, और मुझे खुशी है कि ये 3रा वर्ष है ये कंपटीशन का, और जो गुणात्मक वृद्धि हुआ है बच्चों में, धारा प्रवाह संस्कृत बोलने का, संस्कृत में प्रबंध लिखने का, संलाप बोलने का, श्लोक उच्चारण करके उसके तर्जुमा करने का जो क्षमता हुआ है, उसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मेरे विभाग की तरफ से ऐसा आयोजन हो पाया है, ये भी एक उनके कटिबद्धता दिखाता है कि बेहतर समाज की निर्माण करने के लिए जो शिक्षक अपने संकल्प दिखा रहा है, उसका ये एक परिप्रकाश है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए कई सारे कदम पहले से उठाए गए हैं, लेकिन अभी और बहुत सारे काम हमें करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, उसमें अगर सही शिक्षा दिया जाए तो उसका नींव अच्छा बन जाता है और बच्चा आगे अच्छा करने लगता है। मैं समझ पाई उसके अनुसार गीता हमारे हृदय का गीत है, जो जीवन में पल पल घटित होता आकर्षण है। गीता सागर की गहराई है और आकाश की विशालता है। सागर की बूंदे और आकाश के तारे गीता के ज्ञान के मुकाबले कम है। गीता जितनी पुरातन है उतनी ही नित नूतन है। गीता हमारे जीवन में क्षण क्षण और कण कण में समाई हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन एक संघर्ष है, अपितु यह तो एक रोमांच है, जो गीता के 18 अध्यायों की भांति है। ऐसा नहीं है कि गीता केवल एक देश की है, कि वो केवल भारतीयों की धरोहर है, अपितु इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए गीता एक अनमोल उपहार है।